अस्सलाम वालेकुम, शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादर कैंपस एंड इट्स मी आयशा अरसलान। आज स्पेशली गर्ल्स के लिए अनाउंसमेंट है एडमिशन्स की फ्रॉम LCWU लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं, फीमेल्स की ही यूनिवर्सिटी है। सो बेटा, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुने। सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ फीमेल एजुकेशन है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो बहुत सारे लोग जो कि को एजुकेशन को अच्छा नहीं समझते तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और मैं तो डेफिनेटली उसे 5 out of 5 ही रेट करूँगी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट है। तो जी, LCWU ने लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी, जेल रोड पे ये वाकया है लाहौर में, तो जंग कैंपस भी है वैसे इनका, लेकिन अभी जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं किन किन डिपार्टमेंट्स में हुए हैं, एक तो मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दूंगी। फॉर ग्रेजुएशन भी है, फॉर अंडर ग्रेजुएशन भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, मतलब BS के एडमिशन्स भी ओपन हुए हैं, MS के भी हुए हैं, इवन PhD के भी एडमिशन्स ओपन हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दूंगी, वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन आपने इसको ध्यान से सुनना है और कैटेगरीज को सुनना है। और इवन अगर आप इस साल अप्लाई नहीं कर रहे, आप अभी Part 1 में हैं या अभी आप Part 2 में गए हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नेक्स्ट ईयर के लिए इन्फॉर्मेशन सेव कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगी, देन मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी, देन मैं आपको लास्ट डेट के बारे में बताऊंगी। उससे आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या सारा सिनेरियो है। और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे पास वैसे तो हार्ड फॉर्म भी मौजूद है, अगर सॉफ्ट फॉर्म में मुझे इसकी एडवर्टाइजमेंट मिलती है तो आई कैन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। सो सबसे पहले आप लोगों के पास डिपार्टमेंट आ जाते हैं, डिपार्टमेंट फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, बार बार मैं आपको ये बात बता रही हूँ। डिपार्टमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बॉटनी, BS केमिस्ट्री, BS इन्वायरमेंटल साइंस, BS ज्योग्राफी, BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स, BS जोलॉजी, BS आर्किटेक्चर, BS सिटी एंड रीजनल प्लानिंग। अच्छा, यहाँ तक मैं स्टॉप करके एक बात आपको मेंशन करना चाह रही हूँ। समटाइम्स होता है कि आप लोग कहते हैं मैंने प्री मेडिकल किया है, प्री इंजीनियरिंग किया है, मेरे पास फील्ड्स नहीं आगे। तो बेटा, फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। डोंट गो विद द वर्ड के फील्ड क्या है, स्कोप क्या है। आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें, सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आप में अगर डॉक्टर बनने वाली भी काबिलियत है ना, तो तब भी अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, आपको स्पेशल में इंटरेस्ट है, तो देन गो फॉर डैट। आप कभी भी सिर्फ और सिर्फ स्कोप को देखते हुए, मार्क्स को देखते हुए फैसला मत करें, हमेशा इंटरेस्ट के साथ जाएं। कभी इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी, अभी खैर रिटर्न आते हैं डिपार्टमेंट पे। BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग के भी डिपार्टमेंट्स हैं LCWU में, लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी में भी इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और वहाँ सिर्फ गर्ल्स को ही करवाई जाती हैं। BS इलेक्ट्रिकल, BE इलेक्ट्रिकल, और बेटा ये भी इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। BCOM, BBA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे BPA कहा जाता है, BS इस्लामिक स्टडीज़, BS अरबिक, BS इंग्लिश लिटरेचर, BS पर्शियन, BS पंजाबी, BS उर्दू, BEd ऑनर्स एलिमेंट्री, BEd ऑनर्स सेकेंडरी, BEd साइंस एजुकेशन, BS हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, BS टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू द स्पीकर्स टू अदर्स लैंग्वेजेस जिसे ये कहा जाता है हमारे पास, BS TESOL जिसका स्टैंड फॉर यही है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। इसमें भी मतलब प्रॉपर BS करवाया जाता है 4 सालों का। फॉर्म डी करवाई जाती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट बहुत हाई होता है, उनका नाम नहीं आता, तो देन वो इसके साथ जा सकते हैं और ये अप्रूव्ड है PMDC से, ये यूनिवर्सिटी PEC से भी है इंजीनियरिंग के लिए, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने भी इसकी एक्रेडिशन की हुई है, एंड सेम फॉर द केस ऑफ PMC। तो कहीं प्राइवेट करने से अच्छा है आप इसको कर सकते हैं, अपने सेमी गवर्नमेंट है, आप इसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी DPD, BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS इकोनॉमिक्स, BS हिस्ट्री,
BS होम इकोनॉमिक्स, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS मैस कम्युनिकेशन, BS पाकिस्तान स्टडीज, BS पॉलिटिकल साइंस, BS सोशल वर्क, BS स्टैटिस्टिक्स, BS जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, BS सोशियोलॉजी, BFA ग्राफिक डिज़ाइन, BFA विजुअल आर्ट्स, BFA टेक्सटाइल डिज़ाइन, BFA इंटीरियर डिज़ाइन, BS डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो बहुत एक अच्छी वास्ट लिस्ट है, एक ह्यूज लिस्ट है डिपार्टमेंट्स की जो यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। और ये इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने समझ लें कि सारे आप जिसने FSC प्री मेडिकल की, प्री इंजीनियरिंग की है और उसे कहीं एडमिशन नहीं अगर मिल नहीं रहा, मेरिट का इशू है, फी का इशू है, कोई भी इश्यूज हैं, वो यहाँ पे कंसंट्रेट कर सकता है। सो इसको आप अपनी नज़र में ज़रूर रखें। BEd और MBA के लिए बेटा सुन लें, BEd 1.5 ईयर्स वाला, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें टूरिज्म भी है और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। इसमें ये आप तीन मेजर कैटेगरीज हैं जो उनसे आप चूज करना चाहें। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव जिसे हम MBA कहते हैं, वो BA करवाते हैं। देन वी विल गो विद द MS प्रोग्राम। तो MS प्रोग्राम भी बेटा आप लोग ध्यान से सुने, जिनका BS ऑनर्स है वो कंप्लीट हुआ है। MS बायोटेक्नोलॉजी, MS बॉटनी, MS केमिस्ट्री, MS फिजिक्स, MS जूलॉजी, MS कंप्यूटर साइंस, MS EE। ये EE जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मास्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी करवाते हैं। MS हेल्थ साइकोलॉजी, MS हिस्ट्री, MS इंटरनेशनल रिलेशंस, MS मैस कम्युनिकेशन, MS इकोनॉमिक्स, MS पॉलिटिकल साइंस, MS स्टैटिस्टिक्स, MS जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, MS फाइन आर्ट्स, MS इस्लामिक स्टडीज, MS इंग्लिश लिटरेचर, MS पर्शियन, MS पंजाबी, MS उर्दू, MS एजुकेशन, MS TESOL जो मैंने आपको स्टैंड फॉर बता दिया है, एंड MPhil फार्माकोलॉजी। सो ये सारे मैथ्स प्रोग्राम्स जो हैं ये हमारे पास इंक्लूडेड हैं। देन वी विल गो टूवर्ड द PhD प्रोग्राम्स, PhD बायोटेक्नोलॉजी, PhD बॉटनी, PhD केमिस्ट्री, PhD मैथमेटिक्स, PhD फिजिक्स, PhD कंप्यूटर साइंस, PhD पंजाबी, PhD पर्शियन, PhD साइकोलॉजी, PhD मैथ्स कम्युनिकेशन, PhD एजुकेशन, PhD फार्माकोलॉजी, PhD मैनेजमेंट साइंसेस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां तक तो सारे हो गए हमारे पास डिपार्टमेंट्स। अब हम आते हैं अपने ऑनलाइन, हमारे पास इसकी एडमिनिस्ट्रेशन डेट जो है वो कब स्टार्ट होगी। 20th सितंबर 2021 से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये जाएगी 12 अक्टूबर तक। मे बी एडिट में हम एक दो दिन हमें लग जाए, लेकिन जैसे ही इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे, डेफिनेटली 12 अक्टूबर से बहुत पहले हम कोशिश करेंगे कि हम फॉरन पहुंचा दें। तो आप बेटा इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट गो टूवर द साइट, आप गूगल पे इनकी साइट लिखें LCWU, आपके पास साइट आ जाएगी एंड देन आप अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम में अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट जो है डिप्लोमा के लिए भी कुछ इनकी मौजूद है। तो डिप्लोमा की अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं कोई, तो वो 12 नवंबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किस किस चीज़ में होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊंगी। अभी तक के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स तक की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन जस्ट आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।